नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कार्डिगन के लिए ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। मैंने सिलाई में 33 स्टिचेज डाल दिए हैं और डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। तो हमें इस डिज़ाइन में बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही डिज़ाइन डाल सकते हैं। तो पहला फंदा है एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। और अब अगला फंदा सीधा और उन दूसरी तरफ ही रखे रहेंगे और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, एक दो और तीन। फिर तीन फंदे को हम एक साथ लेंगे और एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, यानी हमने तीन का एक कर लिया। फिर अगले तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। इन्हीं आठों फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर रखे रहेंगे, अगला फंदा सीधा यानी जाली देते हुए सीधा, फिर उन दूसरी तरफ रखे रहेंगे, तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन। फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, तीन का एक किया, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, आठ फंदे हो गए। फिर देखिए उन अपनी ओर है, अगला फंदा सीधा यानी जाली देते हुए सीधा, उन दूसरी ओर है और तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर तीन फंदा उल्टा, और फिर उन अपनी ओर है, अगला फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है उसे सीधा बुन लेंगे। तो हमारा ये डिज़ाइन सेट हो गया है। अब रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से जाली बनने से एक फंदा अधिक हो गया है, तो अब तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ये एज स्टिच है और ये दो फंदा डिज़ाइन का, और उन दूसरी तरफ ही रहेगा और दो फंदा उल्टा बुनेंगे, एक दो। और यहाँ पे तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, तीन का एक कर लिया, फिर दो फंदे उल्टे और उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और ये तीन फंदों को सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। और उन दूसरी तरफ है, तो दो फंदे उल्टे यानि जाले देते हुए उल्टा, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर दो फंदे उल्टे, फिर उन अपनी तरफ रखे रहेंगे और तीन फंदा सीधा बुनेंगे। अब उन दूसरी तरफ है और दो फंदा उल्टा यानी जाले देते हुए दो फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा उल्टा, और अब लास्ट में तीन फंदा बचा है तो तीनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी तरफ है यानी जाली देते हुए सीधा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। डिज़ाइन का पांचवा लाइन और सामने से पहला फंदा एज स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, और फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और तीन। अब उन दूसरी तरफ रखे रहेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहाँ देखिए जाली डालने से फंदे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तीन का एक करने से फंदे घटते जा रहे हैं, और फिर एक फंदा उल्टा, फिर उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और पांच फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन
चार, पांच। अब ऊन दूसरी तरफ रहेगा और एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा और फिर ऊन अपनी तरफ रखे रहेंगे और पांच फंदा सीधा। अब ऊन दूसरी तरफ रहेगा, एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा और फिर ऊन अपनी तरफ है और लास्ट के चारों फंदे सीधे बुन लेंगे, यानी जाली देते हुए सीधा, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। डिज़ाइन का सातवां लाइन और सामने से पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे और फिर चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार। अब ऊन दूसरी तरफ ही रहेगा और तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे सारे फंदे घटते हुए देखिए एक फंदा रह गया है और अब ऊन अपनी तरफ है और सात फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब ऊन दूसरी तरफ है और इन तीन फंदों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, तीन का एक किया, फिर ऊन अपनी तरफ रखे रहेंगे और सात फंदा सीधा, यानी जाली देते हुए सीधा। और अब ऊन दूसरी ओर है, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और सभी फंदे सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा एज स्टिच है, इसे स्लिप कर लेंगे और यहाँ पे देखिए पांच फंदे सीधे हो गए हैं, तो उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक, दो, तीन। अब उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। अब उन दूसरी तरफ है और तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, एक, दो, तीन, और फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, यानी हमारा पहला लाइन। अभी हम डिज़ाइन यहाँ पे बना रहे थे और अब डिज़ाइन जो है वो ये सीधे फंदों पे बनना शुरू हो गया है और यहाँ पे एक फंदा है तो इसे जाली देते हुए सीधा बना लेंगे, फिर उन दूसरी तरफ है और फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे, एक, दो, तीन, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, फिर उनको अपनी तरफ रखे रहेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे, यानी जाली देते हुए सीधा, फिर उन दूसरी तरफ है, तीन फंदा उल्टा, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। एलेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा उल्टा और फिर उन अपनी तरफ रखे रहेंगे और तीन फंदा सीधा, एक, दो, तीन। अब उन दूसरी तरफ रहेगा, फिर दो फंदा उल्टा, एक, दो, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा, जाली देने से बढ़ना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे तीन का एक करने से फंदे घटने शुरू हो गए हैं। तो दूसरी तरफ है, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा उल्टा और फिर उन अपनी तरफ रखे रहेंगे, यानी जाली देते हुए तीन फंदा सीधा। उन दूसरी ओर है, दो फंदा उल्टा,
फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे और लास्ट फंदा सीधा और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। 13वीं लाइन और सामने से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर उन अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, फिर उन दूसरी तरफ है और एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा और फिर उन अपने तरफ है और पांच फंदा सीधा। 13वां पहला फंदा है, जिस स्टिच है इसे स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ ही रखे रहेंगे और सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, फिर उन दूसरी तरफ रखे रहेंगे और तीन फंदे को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बनाएंगे, यानी जाली देते हुए उल्टा, फिर उनको अपनी तरफ रखे रहेंगे और सात फंदा सीधा, तीन चार पाँच छ सात, अब उन दूसरी तरफ रहेगा और तीन फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर उनको अपनी तरफ रखे रहेंगे और सात फंदा सीधा, अब उन दूसरी तरफ रहेगा, दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे और लास्ट फंदा सीधा और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो 16 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब फिर यहाँ से पहला लाइन शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हम फंदे घटाना शुरू करेंगे और यहाँ से फंदा बढ़ना शुरू हो जाएगा पहला लाइन। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।